सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे राज बताएंगे, आप मरते दम तक जय राज कभी किसी को ना बताना। इंशाल्लाह ताला आपके घर में कभी कोई किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। आपकी जिंदगी में, घर में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ बातें, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। उन बातों को सिर्फ और सिर्फ अपने में ही रखना चाहिए। वह बातें आपको बस आपके पीरो मुर्शिद को ही पता होनी चाहिए, तीसरे किसी भी आदमी को पता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा नुकसान हो सकता है, बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। सो आओ अब उन बातों के, उन राज के बारे में जानते हैं जिन्हें हमें किसी को भी नहीं बताना होता है। सबसे पहली बात, आपकी इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं और उन पैसों को कमाने का जरिया कौन सा है। जय बातें आपने कभी किसी को भी नहीं बतानी है। आपकी मंथली इनकम कितनी है और कैसे कमाते हैं, यह बात आपको हमेशा ही गुप्त रखनी है। चाहे कोई भी पूछे, आपका सगा संबंधी भी पूछे, तो बस इन बातों को कभी नहीं बताना है। कई बार लोगों की नियत ऐसी होती है कि हम किसी को बता देते हैं और धीरे धीरे हमारा काम घटने लगता है और पैसे से बरकत उड़ जाती है और वह पैसा हमारे पास नहीं टिकता है। किसी आदमी की नियत कैसी होती है, किसी की कैसी, कोई दिल से अच्छा होता है, कोई दिल से बुरा होता है। इसीलिए यह बातें कभी किसी को ना बताएं। अपनी रोजी रोटी और पैसे को हमेशा ही गुप्त रखें, तभी हम सुखी रहेंगे, हमारे पैसे में बरकत आएगी और वह पैसा हमारे अच्छे काम आएगा। दूसरी बात जो हमें गुप्त रखनी है, अपनी भक्ति, इबादत, अपने पीरो मुर्शिद की रहमत। यह बात भी आप हमेशा ही कभी किसी को ना बताएं, अपने पार्टनर को भी ना बताएं, घर वालों को भी ना बताएं कि आप कितनी बंदगी करते हैं, कितना समय आप बंदगी पे बैठते हैं, क्या आप पर आपके पीरो मुर्शिद की रहमत है, क्या आपको कुछ नजर आता है। अगर आप पर आपके पीरो मुर्शिद की पूरी रहमत है, आपको कुछ नजर आता है, कोई भी काम होने से पहले अगर आपको पता चल जाता है, आपका पीरो मुर्शिद आपको दर्शन देता है, तो ऐसी बातें भी हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। जय राज की बातें हैं, कभी किसी को ना बताएं, चाहे कोई भी पूछे, कितने बड़े से बड़ा आदमी पूछे, करीबी से करीबी आदमी भी पूछे, तो यह बात को आपको हमेशा ही गुप्त रखना है। कई लोग क्या करते हैं, ताव में आकर दूसरों को बताने लगते हैं, बस वहीं पर हम गलत हो जाते हैं, हमारी रहमत कम हो जाती है, पीरो मुर्शिद दर्शन देने छोड़ देता है और जो बातें हमें पहले पता चल जाती थी वह भी बंद हो जाती है। इसीलिए अगर आप अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रहमत को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन बातों को हमेशा ही गुप्त रखें कि कोई कितना भी बोले, कितनी भी मिन्नतें करें, यह बात कभी किसी को ना बताएं। ये बहुत बड़े राज की बात है। यह बात आपके और आपके पीरो मुर्शिद के बीचकार ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, अगर आपका पीरो मुर्शिद चाहे कि आपकी रहमत, आपकी शक्ति बाहर निकले, लोगों को पता चले, तो वह अलग बात है, वरना अपने आप से कभी किसी को ना बताएं। आप जितनी अपनी बंदगी को गुप्त रखेंगे, यह उतनी ही बढ़ेगी, उतना ही आपको फायदा देगी। अगली बात, आपने कब कहाँ जाना है, क्या करने जाना है और कब कहाँ से वापिस आना है, यह बातों को भी आप गुप्त रखें, तभी आपको इसका फायदा होगा। अगर हम कहीं अपने बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी काम है, और हम किसी बाहर के आदमी को बता देते हैं और
पहले वाली वही बात है कि कई लोग दिल में खार रखते हैं, नफरत रखते हैं, हमारी तरक्की को नहीं जानते। हम सफल हो रहे हैं, यह बात उनको हजम नहीं हो रही। अगर आप ऐसे आदमी को अपना जय राज बताकर जाते हैं तो फिर आपको उसमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि लोगों की नीयत भी हमें बर्बाद कर देती है। कई लोग तो हमारे पीछे काला जादू, ब्लैक मैजिक तक करवा देते हैं कि जय बर्बाद हो जाए, तरक्की ना करे। इसीलिए इन बातों को आपको हमेशा ही गुप्त रखना है। अपने राज की बातें, राज के काम अपने आप से ही करें, कभी किसी को ना बताएं। और अपने दिल की बातें, अपने घर के भेद, घर की बातें बाहर कभी किसी को ना बताएं। लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई भला नहीं चाहता, सभी हमारी मुश्किलें परेशानियां देखकर खुश होते हैं। 100 में से 2 आदमी हैं जो हमें मुश्किल में देखकर दुखी होते हैं या दिल से हमारी सहायता करना चाहते हैं। लोग मुंह पे कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, इसलिए घर के भेद, घर की बातें बाहर कभी किसी को ना बताएं, तभी आप सुखी और खुश रह सकते हैं। तो अगर आप इन बातों को, इन राजों को कभी किसी को नहीं बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप हर जगह, हर समय और हर काम में सफल होंगे और आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, और आप जिंदगी में खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और घर में भी कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, और आपका पीरो मुर्शिद भी आप पर रहमत करेगा। सो जे राज की बातें मरते दम तक आप किसी को ना बताएं, चाहे कोई कितना भी पूछे, बस जी हजूरी करके आगे बढ़ जाएं और अपने काम से काम रखें, इन बातों को गुप्त रखें। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताजो ज्यादा से ज्यादा लोगों अवेयर कर सके, लोगों का भला हो सके, सभी अपनी जिंदगी में सुख शांति और खुशी से रहे, यही हमारी तमन्ना है। तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका पीरो मुर्शिद आपकी हर इच्छा पूरी करे। आमीन।